रोटी के लिए भी मुश्किल से ही जुटा पाता है। गरीबी के बोझ तले ऐसी आबादी के लिए ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके स्वास्थ्य की चिंता हरने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। साधारण अस्पतालों में भी पैसे के अभाव में इलाज करा पाने से हिचकने वाले लोग आज सरकार की सहायता से बड़े अस्पताल में बगैर एक पैसा खर्च किए आयुष्मान योजना के जरिए अपना इलाज करा पा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे आंध्र प्रदेश स्थित कृष्णा जिले के कोडरू गांव में रहने वाले वाई कृष्णा राव को जब दिल का दौरा पड़ा तो आयुष्मान भारत योजना ने उसकी जान बचाई। कृष्णा जिले में स्थित कोडूरू गांव के निवासी वाई कृष्णा राव बहुत साधन संपन्न व्यक्ति नहीं है। 2 एकड़ की जमीन से होने वाली उपज और कुछ पशुओं की मदद से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी जीवन में तब तूफान मच गया जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कृष्णा राव अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं, लिहाजा उनकी ऐसी हालत देखकर उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें तत्काल बगल के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें बड़ी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। जब कृष्णा को दूसरे बड़े कॉरपोरेट अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल वालों ने इलाज के लिए भारी फीस की मांग की। फीस के लिए परिवार को चिंता में डूबा देखकर डॉक्टरों ने उन्हें आयुष्मान भारत योजना के लिए अप्लाई करने की सलाह दी। परिवार वालों को एक उम्मीद दिखी, तत्काल आयुष्मान भारत योजना की कागजी कार्यवाही पूरी की गई। 3 दिनों के भीतर केंद्र सरकार की ओर से कृष्णा राव के इलाज के लिए तत्काल 1,30,000 रुपए की राशि जारी किया गया। इस तरह कृष्णा राव का तत्काल इलाज संपन्न हुआ और वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने दैनिक जीवन में लौट आए। पोइन संवसं डिसेंबर 12 तारीख को कई लोग इस गलत फहमी के शिकार हैं कि गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में अस्पतालों में उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिलता। डॉक्टरों ने मेरा इलाज भी वैसे ही किया है जैसे अन्य साधन संपन्न लोगों का करते हैं। उन्होंने मुझसे अतिरिक्त एक भी रुपया नहीं लिया है। अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके कृष्णा राव का मानना है कि आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें नया जीवन प्रदान किया है। उनका कहना है कि गरीब लोग जो अपनी बीमारी के इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। मावारु रोज बाइक में रास्तंटे स्ट्रोक लाग वच्चिंदंडि। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के जरिए मेरे पति की जान बचाई है। ऐसे गरीब लोग जो अपने इलाज के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवा का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनके लिए यह योजना वरदान की तरह है। आयुष्मान योजना के जरिए नवजीवन पाने वाले कृष्णा राव अकेले व्यक्ति नहीं है। देश भर में लाखों गरीब लोगों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के साथ आयुष्मान योजना को खड़ा पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।